विनायक दामोदर सावरकर एक ऐसा नाम जिसे विरोधियों में एक अजीब सी खलबली मच जाती है, खासकर कांग्रेस में। कांग्रेस को शुरू से ही सावरकर से एक अलग प्रकार की चिढ़ रहती है। जब तक कांग्रेस सत्ता में थी, सावरकर का नाम सिर्फ भाजपा और कुछ ऑर्गेनाइजेशंस के द्वारा ही लिया जाता था। कांग्रेस ने भरपूर कोशिश की कि सावरकर का नाम इतिहास से मिटा दिया जाए, ताकि आम जनता को उनसे दूर रखा जाए, और अगर वह लोगों के बीच जाए भी तो लोग उनसे घृणा करें। वीर सावरकर के बारे में झूठे प्रोपोगेंडा फैलाकर लोगों को कांग्रेस शुरू से ही गुमराह करती आई है। पर ऐसा लगता है कि जब से केंद्र में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार बनी है, तब से कांग्रेस के इस झूठे प्रोपोगेंडा से पर्दा उठता जा रहा है। सावरकर को न सिर्फ इतिहास में जगह और सम्मान मिल रहा है, बल्कि उनकी खोई हुई विरासत को भी एक बौद्धिक आधार मिल रहा है। कांग्रेस पार्टी को यह पसंद ही नहीं आ रहा है कि देश का बौद्धिक वर्ग यानी मीडियाकर्मी, लेखक, शिक्षक, प्रोफेसर सभी अब सावरकर जैसे हिंदुत्व आइकन का समर्थन कर रहे हैं। इसलिए मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में कांग्रेस की सरकारें सावरकर को मानने वाले को सजा देने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। सावरकर को लेकर भारत में दो तरह के मत हैं। एक मत के मुताबिक सावरकर देश के महान क्रांतिकारी और स्वतंत्रता सेनानी हैं। बुनियादी अंतर के बावजूद उनके समर्थक उन्हें महात्मा गांधी के समानांतर का स्वतंत्रता सेनानी मानते हैं, और कांग्रेस यही नहीं चाहती है। इसी वजह से उन्हें भारत के इतिहास से मिटाने की भरपूर कोशिश की गई। कांग्रेस ने हमेशा से ही सावरकर को एक विलेन के रूप में पेश किया है। वीर सावरकर ने भारत की आज़ादी के लिए अपार कुर्बानियां दी, लेकिन इसके बावजूद उन्हें स्वतंत्र भारत में वो स्वीकार्यता नहीं मिल पाई जिसके वो हकदार थे। उनकी तमाम कुर्बानियां कथित विचारधाराओं के भेंट चढ़ गई। स्वतंत्रता के बाद से ही सावरकर पर कई आरोप लगाकर कांग्रेस उन्हें जनता के बीच विलेन साबित करना चाहती थी। पहले तो उन्हें महात्मा गांधी की हत्या की साजिश में फंसाने की कोशिश की गई, उसके बाद उनकी मृत्यु के बाद उन्हें इतिहास से ही मिटा देने की भरपूर कोशिश की गई। कांग्रेस से जब यह संभव नहीं हुआ, तो उन्हें और उनकी हिंदुत्व की विचारधारा को नीचा दिखाने के लिए नए नए प्रपंच गढ़ती आई, और आज भी वही कर रही है। परंतु सत्य तो सत्य रहता है, और वह तमाम परेशानियों के बावजूद ऊपर उठ जाता है। अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में उनके हक का सम्मान उन्हें देने की कवायद शुरू हुई। इसी के मद्देनजर कांग्रेस और लेफ्ट पार्टियों के तमाम विरोधों के बावजूद संसद में उनकी तस्वीर लगाई गई। इसके बाद फिर कांग्रेस के शासन में उन्हें अंधकार में डालने की भी भरपूर कोशिश की गई। अब जब फिर से केंद्र में भाजपा की सरकार है, तो वापस वीर सावरकर को इतिहास में उनके अतुल्य योगदान को जगह देने की कोशिश की जा रही है। कांग्रेस, खासकर गांधी परिवार, सावरकर को गाली देने से भी पीछे नहीं हटी। CAA पर विरोध के दौरान एक रैली में कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने कहा था कि मेरा नाम राहुल गांधी है, राहुल सावरकर नहीं, जो माफी मांगता रहूंगा। कांग्रेस के इसी रवैये के कारण अब वीर सावरकर की स्वीकार्यता सिर्फ जमीनी स्तर पर ही नहीं, बल्कि बौद्धिक स्तर पर भी बढ़ने लगी है। जैसे जैसे कांग्रेस के नेताओं और उनके चाटुकार इतिहासकारों की पोल खुलती जा रही है, वैसे वैसे उनके द्वारा गर्त में धकेले गए स्वतंत्रता सेनानियों के बारे में भी लोगों को पता चलता जा रहा है। महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के लोगों के लिए सावरकर एक हीरो हैं, और किसी को इसमें कोई शक नहीं है। सावरकर की अधिकतर रचनाएं भी मराठी में ही हैं, पर बौद्धिक स्तर पर कांग्रेस के चाटुकारों ने उन्हें कभी सत्यापित नहीं होने दिया। परंतु PM मोदी की सरकार के कारण अब कई नए इतिहासकारों ने सावरकर पर शोध करना प्रारंभ किया है, और उन्हें इतिहास के पन्नों पर दोबारा अंकित करना शुरू किया है। इसी क्रम में वीर सावरकर पर दो किताबें भी आईं, जिसका मकसद सावरकर के बारे में कांग्रेस और उसके चाटुकारों द्वारा फैलाए गए झूठ से पर्दा उठाना था। पहली पुस्तक थी वैभव पुरंदरे द्वारा लिखी गई सावरकर द ट्रू स्टोरी ऑफ द फादर ऑफ हिंदुत्व, और दूसरी विक्रम संपत द्वारा लिखी गई सावरकर इकोज फ्रॉम अ फॉरगॉटन पास्ट 1883 to 1924। यही नहीं, जब 26 मई 2014 को नरेंद्र मोदी ने शपथ ली थी, तब उसके दो दिन बाद ही वीर सावरकर की 131वीं जन्मतिथि पड़ती थी। उस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद भवन में जाकर सावरकर के चित्र के सामने सिर झुकाकर उन्हें श्रद्धांजलि दिया था। इसी से स्पष्ट हो गया था कि अब सावरकर सरदार पटेल और नेताजी जैसे स्वतंत्रता सेनानी को उनकी खोई हुई विरासत वापस मिलेगी।
कांग्रेस ने सावरकर जैसी मजबूत और देशभक्त शख्सियत पर लगातार हमले करके अपने ही पांव पर कुल्हाड़ी मारने का काम किया है, जिस बात से कांग्रेस डरती आई है कि कोई गांधी और नेहरू के बराबर ना खड़ा हो पाए, अब ठीक उसी के विपरीत हो रहा है और सावरकर समानांतर में खड़े दिखाई दे रहे हैं। वीर सावरकर को स्वतंत्र भारत में वो स्वीकार्यता मिलनी शुरू हो गई है जिसके वे हकदार थे और कांग्रेस इसी से डरी हुई है।